शिया धर्म गुरु को वक्फ बोर्ड पदाधिकारी पुत्र ने दी जान से मारने की धमकी। खुतुब के दौरान शिया संस्थाओं में गबन व घोटाले की बात उजागर की थी। धर्म गुरु ने थाने पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज की मांग की। ईद उल अजहा के अवसर पर खुतबे के दौरान शिया वक्फ बोर्ड व शिया संस्थाओं की संपत्ति बचाने, संस्था में गबन और घोटाले की बात उजागर करने पर संस्था के पदाधिकारी के पुत्र पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिया धर्मगुरु ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि नगर के शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद असद अली ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि उन्होंने इमाम जुमा ईदगाह में ईद उल अजहा के पर खिताब करते हुए शिया वक्फ बोर्ड वित्तीय संस्थाओं की संपत्ति को बचाने की अपील करते हुए कहा था कि एक शिया संस्था के जिम्मेदारों द्वारा लोगों से नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूली गई है और उक्त संस्था को नुकसान पहुंचाते हुए संस्था से सरकारी रुपया गबन होने और जिलाधिकारी द्वारा जांच कराने के बारे में आदेश दिए गए थे। मौलाना का आरोप है कि उक्त बात को लेकर संस्था के एक पदाधिकारी के पुत्र ने उसके मोबाइल पर रात्रि में जान से मारने की धमकी देते हुए परिजनों को देखने की बात कही है। देखिए, इस दौरान पीड़ित मौलाना सैयद असद अली ने पिता पुत्र से अपनी जान व माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए थाने में तहरीर दी है और क्या मांग की है, सुनिए। मेरा नाम सैयद असद अली, इमाम जुमा नानोता, सादा सहारनपुर। आपने एक तहरीर दी है थाना नानोता में, किस संबंध में तहरीर दी है? मैंने ईद उल अजहा पे कौम को खिताब करते हुए इन बातों का जिक्र किया था कि शिया औकाफ को बचाया जाए, जिसके संबंध में बिरादरी का सभी का रिएक्शन प्लस में था, लेकिन इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रबंधक जनाब फरजंद अली, उनके बेटे मन्नान, पुत्र मन्नान ने कल रात्रि 8:11 पे मुझे जान से मारने की धमकी दी और मैं इसके ऊपर जो है जमीयत मजलिस उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना जनाब कलब जवाब साहब और वक्फ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली साहब से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को औकाफ से जो है वो बर्खास्त किया जाए। और आज के राम राज्य में जहाँ पर जो है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौर है, ऐसे लोगों का जो कौम के हितों को जो है आहत करते हैं और हिंदुस्तान की संपत्तियों को आहत करते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके घोटालों की जांच होनी चाहिए। और इसमें 48 लाख रुपए का गबन जो है सरकारी रिकवरी भी आई हुई है, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान की सरकार को वापस मिलना चाहिए।